Hello guys, this is Asfiya Rashid. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are fine today. आज हम जो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है साइबर सिक्योरिटी. आई डोंट नो आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में कितना जानते हैं, लेकिन आपको ये आइडिया होगा कि साइबर अटैक क्या होता है. साइबर अटैक आपके पर्सनल अकाउंट्स हैक हो जाते हैं. समटाइम्स आपके पास ई मेल आती है कि आपका अकाउंट कहीं से लॉग इन करने की कोशिश की गई है. दोज आर कॉल्ड साइबर अटैक्स. तो हमें उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए. इंडिविजुअल लेवल पे भी ये साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करना इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने अकाउंट्स को अपने तरीके से सेव कर सकें. बट क्या आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आप साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज करने के बाद जॉब्स कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं. क्योंकि साइबर अटैक्स ना सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी होते हैं, और उससे बड़ी बात कि नेशनल लेवल पे भी होते हैं. यानी कि नेशनल सिक्योरिटी को भी इससे मसला हो सकता है. तो इन टोटल इस कोर्स में साइबर सिक्योरिटी के कोर्स में टोटल 4 मॉड्यूल्स होंगे. हम 4 मॉड्यूल्स को बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे. अगर आपको थोड़ा बहुत स्टार्टिंग से पता है साइबर सिक्योरिटी क्या होता है तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता फ्रॉम द स्क्रैच भी मैं आपको लेके चलूँगी, क्योंकि मैं एक एक चीज़ बहुत डिटेल समझाऊँगी कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, क्या कर सकते हैं, क्या किस तरह से बच सकते हैं, होता क्या है, एवरीथिंग. उसके अंदर हम सारी चीज़ें उसके अंदर लर्न करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर मॉड्यूल 1. ओके, सो एज यू गाइज नो दैट वी हैव 4 मॉड्यूल्स इन साइबर सिक्योरिटी कोर्स. दिस इज आवर मॉड्यूल 1, एन ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी. सो लेट्स गो, हम इसको पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या हमें सीखने को मिलता है. ओके, तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू लर्न द साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड, कि एक साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में एक्चुअली होता क्या है. तो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी. साइबर सिक्योरिटी बेसिकली, आप लोगों को समटाइम्स कभी ईमेल्स आती होंगी कि आपकी ईमेल को यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश की गई है, यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश की गई है, आप फ़ौरन से अपना जो है वो पासवर्ड चेंज करें, तो उसकी वो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी का ही अटैक माना जाता है. दैट इज़ डिजिटल अटैक. अब हम देखेंगे वो होती कहाँ कहाँ है. वो इंडिविजुअल्स के अकाउंट्स पे भी हो सकती है, वो ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या छोटी कंपनीज हैं उन पे भी हो सकती है, और सबसे बड़ी बात ये हमारी गवर्नमेंट के डेटा पे भी हो सकता है डिजिटल अटैक. हम ये देखेंगे कि टोटल डिजिटल अटैक्स एक मिनट के अंदर कितने होते हैं. आप लोग जान के यकीनन हैरान होंगे कि हर 39 सेकंड्स के अंदर एक अटैक होता है. हर 39 सेकंड्स, इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए, ये बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है कि एक दिन के अंदर कितने ज़्यादा होते हैं. अब वो हमारा पर्सनल डेटा भी एक्वायर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डेटा भी एक्वायर कर सकते हैं, और हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भी हैकिंग से बहुत बड़ा ख़तरा है. उनका एक ही पर्पज़ होता है, जस्ट टू हैक समवंस डेटा, और उसको वो गलत मीन्स में यूज़ कर सकें. किस तरह, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ. बट पहले हम पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट डेटा को थोड़ा सा क्लोजली देखेंगे. तो आपके सामने नेक्स्ट लाइन आने वाली है फॉर द पर्सनल डेटा. इंडिविजुअल, ऑन एन इंडिविजुअल लेवल यू मस्ट प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी, डेटा एंड कंप्यूटिंग डिवाइसेस. सो हम अगर बात करें कि किस तरह से इंडिविजुअल्स का डेटा हैक हो सकता है, उनकी आइडेंटिटी से उनका डेटा, जो भी उनका नॉर्मल डेटा है, उनका फ़ोन नंबर है, उनका नेम है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है, ये सब आपका पर्सनल डेटा होता है. एंड योर कंप्यूटिंग डिवाइसेस, यानी कि जो डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे आप अपने लॉगिन्स क्रेडेंशियल्स के थ्रू आप अपने डिटेल्स लॉगिन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोटेक्ट करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि कोई आपका इंडिविजुअल डेटा हैक ना कर सके. So let's go to the government slide, organization slide. Let's see. Okay, on an organizational level, everyone is responsible for safeguarding the organization's reputation, data and customer. ओके, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास काफ़ी बड़ा डेटा होता है अपने कस्टमर्स से रिलेटेड. आप अगर किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास आपके कस्टमर्स के नंबर्स होते हैं, उनका डेटा होता है. That is very valuable. और उनकी reputation
बेसिकली यहाँ जो रेपुटेशन का वर्ड यूज़ हुआ है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि अगर आपका कस्टमर का डेटा आपके थ्रू लीक हो रहा है, जैसे रिसेंटली हमारे अब एक बहुत फेमस माइक्रो फाइनेंस बैंक पे मैं खुद ये चीज़ ये स्कैम फेस कर चुकी हूँ, तो ये उनकी रेपुटेशन पे बात आ रही है कि उनके डेटा से मेरा उनके डेटा बेस से मेरा डेटा किस तरह लीक हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे वहाँ के हर एम्प्लॉई की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सेव गार्ड्स कंपनी, मतलब कंपनी की रेपुटेशन को बचाना, वहाँ का डेटा बचाना, ताकि वहाँ के कस्टमर्स इस चीज़ को लेके आपकी गुडविल ना ख़राब हो, वहाँ के कस्टमर्स आपके बारे में गलत तरीके से ना सोचें कि इस कंपनी के थ्रू मेरा डेटा लीक हुआ है। मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन अभी मैंने रिसेंटली ख़ुद ही ये चीज़ फेस की है कि एक बहुत मशहूर माइक्रो फाइनेंस बैंक ने मुझे इस तरह से स्कैम करने की कोशिश की। बट अच्छा, और इंडिविजुअल लेवल पर जितना हैकिंग आसान है क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे 1% होता है जो कि चीज़ें प्रोटेक्ट कर रहा होता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे उतना ही ज़्यादा हैकिंग थोड़ा मुश्किल काम है। बट उसको सिक्योर करना, अपने डेटा को सिक्योर करना इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट इट्सेल्फ। वो एक बहुत बड़ा टास्क है कि अपने ऑर्गेनाइजेशनल डेटा को, इतने बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को आप किस तरह से सेव कर रहे हैं, आप किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो कि है गवर्नमेंट डेटा, कि हम गवर्नमेंट का डेटा किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ओके, तो गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, एज मोर डिजिटल इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड एंड शेयर्ड, its protection becomes more crucial at the government level where national security, economic stability and citizen safety and well-being are at stake. Government data cyber crime ke through hack karna is not an easy thing, it's not a piece of cake, but यहाँ पे बहुत बड़े बड़े hackers बैठे हैं। sometimes आपने सुना होगा कि बहुत सारी countries के पाकिस्तानी hackers ने अकाउंट्स गूगल भी हैक कर लिया। सो नेशनल सिक्योरिटी, हमारे नेशनल सिक्योरिटी पे भी अभी कुछ टाइम पहले अटैक हुआ था, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, बट या इट वाज लाइक 2022, तो वहाँ पे अटैक हुआ था हमारे नेशनल बैंक के ऊपर। मैं इसको मज़ीद एलिब्रेट नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप न्यूज़ चेक करें उस टाइम की, या आप कोई कीवर्ड इस तरह का यूज़ करके गूगल पे सर्च करें, तो यू विल गेट टू नो कि हमारा डेटा काफ़ी सारे लोगों का वो डेटा लीक हुआ था, जहाँ पे हमारा शायद थोड़ा सा प्रोटेक्शन टीम जो है वो थोड़ी सी वीक हो गई होगी, या डिफरेंट यू नो हैकिंग की तो डिफरेंट टर्म्स एंड डिफरेंट टूल्स आते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से ही हमें अपना जो हमारी बाउंड्री होती है जिसमें हमारा डेटा प्रोटेक्टेड होता है, हमें उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो इसके अंदर ये हमें यही बता रहे हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो तक स्टेक पे आ जाती है अगर हमारा गवर्नमेंट का डेटा लीक हो, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का डेटा लीक हो जाता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप पता चल सकता है, हमारा वो प्रीवियस स्टेप जो हमें किसी को ना बताया हो वो पता चल सकता है। तो उसके थ्रू हमें दुनिया के अंदर कॉम्पीट करने में, या हम दुनिया के अंदर क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं उस चीज़ पर बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेसिकली चाहे साइबर सिक्योरिटी का अटैक इंडिविजुअल के अकाउंट पे हो, या अटैक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हो, या अटैक गवर्नमेंट के अकाउंट्स पे हो, दैट ऑल इंक्लूडेड इन साइबर सिक्योरिटी। ये हमारे पास ये चीज़ें साइबर सिक्योरिटी के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। ओ सॉरी, नॉट इन साइबर सिक्योरिटी, इन साइबर अटैक्स। तो ये सारी ही चीज़ें हमारे पास साइबर अटैक्स में इंक्लूडेड होते हैं, कि अगर इस तरह के अटैक्स और इन चीज़ों पे ये अटैक्स हो रहे हैं तो ये साइबर अटैक्स होते हैं। और इन सब का डिजिटली होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि हम किसी की डकैती को हम साइबर अटैक नहीं बोल सकते, साइबर वर्ल्ड ही शो करता है डिजिटल अटैक्स को, डिजिटल को। ओके, सो आज के लिए मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को वाइंड अप करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं बहुत लंबी वीडियोस बनाऊँ और आप लोगों को बहुत जल्द बोर कर दूँ, क्योंकि ये वैसे भी थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा बोरिंग मिक्स टाइप का एक लेसन है साइबर सिक्योरिटी का, थोड़ा लॉन्ग चलेगा
लंबा कोर्स है, लेकिन आई होप कि इन द एंड ऑफ द कोर्स आप लोग कुछ लर्न कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।